रिलीज हुई हनुमान फिल्म ने पहले दिन तो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की, वहीं दूसरे दिन भी इस फिल्म के कलेक्शन में गजब का उछाल देखने को मिला। महेश बाबू की गुंटूर कारम फिल्म ने पहले दिन इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग ली, लेकिन दूसरे दिन के कलेक्शन में एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। वहीं धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर ने भी पहले दिन तो अच्छी खासी कमाई की, लेकिन इस फिल्म के कलेक्शन भी दूसरे दिन काफी ज्यादा डाउन हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुंटूर कारम, हनुमान और कैप्टन मिलर के दो दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ जानने वाले हैं पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की सलार और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की डंकी के भी अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें तमिल फिल्म कैप्टन मिलर के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं धनुष, डॉक्टर शिवा राजकुमार, संदीप किशन। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म तो तमिल मूवी है, लेकिन इस फिल्म को तमिल के अलावा कन्नड़ा और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया है। हालांकि हिंदी मार्केट में फिल्म को ना तो ज्यादा स्क्रीन से मिली और ना ही फिल्म का कोई खास प्रमोशन किया गया था, जिसके चलते फिल्म ने हिंदी मार्केट से कोई अच्छी कमाई नहीं की। पर इस फिल्म का जो तमिल वर्सन का कलेक्शन है पहले दिन पूरी तरह से कमाल का रहा, लेकिन दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में जो ड्रॉप है वो बहुत बड़ा देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों यहां पर कैप्टन मिलर का ट्रेलर इतना जबरदस्त था कि सबको लगा था कि यह फिल्म बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, लेकिन फिल्म देखने के बाद लोगों को यह फिल्म ठीक ठाक लगी, मतलब कि उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। इसी वजह से दोस्तों फिल्म ने पहले दिन बंपर कमाई की, वहीं दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन काफी ज्यादा ड्रॉप हो गए। अगर बात करें कैप्टन मिलर के दो दिनों के डिटेल कलेक्शन के बारे में, कैप्टन मिलर फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन तीनों भाषाओं से 9,78,00,000 रुपए का किया था। वहीं दूसरे दिन फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो पहले दिन के मुकाबले 25-30% ड्रॉप हो चुकी है। यानी कि दोस्तों यहां पर कैप्टन मिलर फिल्म अपने सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 7,50,00,000 रुपए का। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती दो दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 17,28,00,000 रुपए, इंडिया ग्रोस कलेक्शन 20,60,00,000 रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 8,40,00,000 रुपए की टोटल कमाई की है। और इसी के साथ कैप्टन मिलर का शुरुआती दो दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 39,39,00,000 का हो चुका है, जो कि एक तरह से काफी बढ़िया कमाई है। अब कल भी संडे है तो कल भी फिल्म का कलेक्शन जबरदस्त रहेगा, लेकिन देखना यह है कि मंडे से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है, उसके बाद ही पता चलेगा कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी, फ्लॉप होगी या ब्लॉकबस्टर होगी। वही बात करें तेलुगु फिल्म गुंटूर कारम के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार महेश बाबू, श्रीलीला प्रकाश राज। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म को 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है एज ए इंडियन फिल्म, मतलब कि इस साल जितनी भी बॉलीवुड और साउथ की फिल्में रिलीज हुई ना, उन फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ी ओपनिंग गुंटूर कारम फिल्म को मिली। लेकिन दोस्तों इस फिल्म से भी पब्लिक को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि भैया त्रिविक्रम श्रीनिवास, जिनकी पिछली फिल्म आला वैकुंठा पुरमोलो पूरी तरह से एंटरटेनिंग ब्लॉकबस्टर थी, तो गुंटूर कारम भी कुछ वैसी ही होगी, लेकिन इस फिल्म ने भी ऑडियंस को कहीं ना कहीं निराश किया। हालांकि ये फिल्म महेश बाबू के फैंस को तो काफी ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन आप सब जानते हैं कि तेलुगु स्टेट की जितनी भी फिल्में रहती है वो फिल्में पहले दिन जितना जबरदस्त कलेक्शन करती है उतनी ही ज्यादा फिल्मों की कमाई गिरावट दूसरे दिन देखने को मिल जाती है। तो यहां पर दोस्तों गुंटूर कारम फिल्म को पहले दिन तो बॉक्स ऑफिस पर मॉर्निंग शोज में काफी बंपर रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन जैसे जैसे रिव्यूज आए उसके बाद फिल्म के आफ्टरनून इवनिंग नाइट शोज में जो ग्रोथ आना थी वो नहीं आई। और इसी के चलते दोस्तों गुंटूर कारम फिल्म ने फिर भी पहले दिन अच्छी खासी कमाई की, लेकिन दूसरे दिन फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है ना वो पहले दिन के मुकाबले 50% डाउन हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के दो दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो गुंटूर कारम फिल्म ने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 53,53,00,000 का किया। वही बात करें सेकंड डे की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म की सेकंड डे की ऑक्यूपेंसी में 50% की गिरावट देखने को मिली है, यानी कि यह फिल्म दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 25,00,000 का कर रही है। और इसी के साथ गुंटूर कारम का शुरुआती दो दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 78,78,00,000 का, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 93,00,00,000 रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म का दो दिनों में ओवरसीज कलेक्शन 37,00,00,000 का हो रहा है, यानी कि दोस्तों गुंटूर कारम फिल्म दो दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 130,00,00,000 का कर रही है, जो कि फिल्म के बजट के हिसाब से काफी शानदार कमाई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता
बता दें कि फिल्म का बजट है 150 करोड़ रुपए और फिल्म 2 दिनों में दुनिया भर से 130 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर रही है। अब कल संडे है तो ये फिल्म भी कल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी, लेकिन बात वही आ जाती कि ये फिल्म मंडे से कैसा परफॉर्म करेगी। उसके बाद पता चलेगा कि ये फिल्म 200-250 करोड़ पे रुकेगी या फिर 300-350 करोड़ पे। लेकिन अब अगर बात करें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म डंकी के बारे में, जिस फिल्म को सिनेमाघरों में 3 हफ्ते कंप्लीट हो चुके और फिल्म 4थे हफ्ते में चल रही है। हालांकि दोस्तों राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी डंकी फिल्म, जिसका बजट सिर्फ 120 करोड़ रुपए था और इस फिल्म के पास अब 4थे हफ्ते में जो स्क्रीन से वो काफी कम रह गई है। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान, तापसी पन्नू और विक्की कौशल की फिल्म डंकी, जिस फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 24 दिन। बात करें फिल्म के 24 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ने शुरुआती 3 हफ्तों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 226 करोड़ 83 लाख रुपए का किया था। अब जैसे ही फिल्म का 4था हफ्ता शुरू हुआ, बहुत सारी नई फिल्में आ गई, जिसके चलते फिल्म की स्क्रीन एकदम से कम कर दी गई और उसी वजह से दोस्तों फिल्म ने अपने 22वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख रुपए का किया, तो 23वें दिन फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 1 करोड़ 27 लाख रुपए का रहा। हालांकि दोस्तों आज सैटरडे यानी कि हाफ हॉलीडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में एक हल्की सी ग्रोथ है और यह फिल्म अपने 24वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 1 करोड़ 35 लाख रुपए। और इसी के साथ शाहरुख खान की डंकी का शुरुआती 24 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 230 करोड़ 85 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 275 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से टोटल कमाई 190 करोड़ की कर ली है। और इसी के साथ दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म डंकी का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 465 करोड़ रुपए का। जी हां दोस्तों, फिल्म दुनिया भर से 465 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है, क्योंकि फिल्म का बजट सिर्फ 120 करोड़ रुपए था। लेकिन अब अगर बात करें डंकी के एक दिन बाद रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म सलार के बारे में, प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म सलार, जिस फिल्म में हमें पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू और श्रुति हसन देखने को मिले थे। बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर सलार फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, टोटल 5 भाषाओं में रिलीज की गई थी और इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर अब चल रहा है 4था हफ्ता। हालांकि दोस्तों यहां पर सलार फिल्म की भी जो 4थे हफ्ते की स्क्रीन से वो काफी कम कर दी गई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सलार मेनली तेलुगु फिल्म थी, उसके बाद फिल्म का सेकंड सबसे बड़ा मार्केट हिंदी था। लेकिन इस हफ्ते आप सब जानते हैं कि तेलुगु सिनेमा की तरफ से कम 5-6 नई फिल्में रिलीज हो गई, साथ ही साथ हिंदी में भी 1-2 बड़ी फिल्में रिलीज हो गई, जिसके चलते ही सलार के पास अब जो स्क्रीन से वो काफी कम रह गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्शन फिल्मों के फैंस को सलार मूवी अभी भी अपनी ओर खींचने में कामयाब रह रही है और यह मूवी 4थे हफ्ते में भी डिसेंट कमाई करती जा रही है। अगर बात करें सलार फिल्म के हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, 5 भाषाओं के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सलार फिल्म ने शुरुआती 3 हफ्तों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 474 करोड़ 80 लाख रुपए का किया था। वही फिल्म ने अपने 4थे शुक्रवार यानी कि 22वें दिन 1 करोड़ 62 लाख रुपए की कमाई की। वही सलार फिल्म आज यानी कि अपने 23वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 1 करोड़ 85 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों सलार फिल्म का शुरुआती 23 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 5 भाषाओं से 478 करोड़ 27 लाख रुपए का हो चुका है। वही फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन 569 करोड़ रुपए हो गया है। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली है और इसी के साथ सलार फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो सभी भाषाओं का हो चुका है 720 करोड़ रुपए का। जी हां दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में सभी भाषाओं से 720 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपर डुपर हिट। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस साल का सबसे बड़ा धमाका हनुमान फिल्म के बारे में, प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी सुपर हीरो फिल्म हनुमान, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे तेजा सज्जा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, 5 भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई की और दूसरे दिन तो इस फिल्म के कलेक्शन पूरी तरह से कमाल के हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को रिलीज के पहले काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस फिल्म के सामने महेश बाबू की गुंटूर कारम रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इस फिल्म को खुद के स्टेट यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्क्रीन बहुत ही कम मिली थी। लेकिन इस फिल्म के जब रिव्यूज बाहर आए, लोगों को फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद इस फिल्म की जो स्क्रीन से कल 12 बजे के बाद बढ़ती चली गई और शाम तक फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीन मिल गई। और कमाल की बात तो यह है कि
दूसरे दिन इस फिल्म के पास जो स्क्रीन से वो पहले दिन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हो चुकी है। तेलुगु स्टेट में तो फिल्म की स्क्रीन्स बढ़ी रही है, साथ ही साथ हिंदी मार्केट में भी इस फिल्म की जो ग्रोथ है वो पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। बात की जाए यहाँ पर हनुमान के दो दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म तो रिलीज हुई थी कल यानी कि 12 जनवरी को, लेकिन इस फिल्म के जो पेड प्रीव्यू शोज है वो 11 जनवरी को ही रखे गए थे, जहाँ पर फिल्म ने कमाई की थी 4,50,00,000 रुपये की। वहीं दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 10,30,00,000 रुपये का किया पाँचों भाषाओं से। बात करें सेकंड डे कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जो सेकंड डे ऑक्यूपेंसी मिली है वो पहले दिन के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ फिल्म के आफ्टरनून इवनिंग और नाइट शोज की जो बुकिंग है वो तेलुगु में भी जबरदस्त है, साथ ही साथ हिंदी में भी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक हनुमान अपने दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 11,50,00,000 रुपये का, और इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती दो दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 26,30,00,000 रुपये, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 31,50,00,000 रुपये। बताना चाहूँगा दोस्तों फिल्म ने शुरुआती दो दिनों में ओवरसीज मार्केट से लगभग 9.5 करोड़ की कमाई की है, और इसी के साथ हनुमान फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 41 करोड़ का हो चुका है। फिल्म का बजट है लगभग 55 करोड़ रुपये और फिल्म दो दिनों में ही 41 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है, और इतना कन्फर्म है कि कल यानी कि संडे इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कोई सोच भी नहीं सकता इतने खतरनाक होंगे। जी हाँ दोस्तों, कल तो ये फिल्म सभी भाषाओं में जमकर कलेक्शन करने वाली है, और इतना कन्फर्म हो चुका है कि अब हनुमान फिल्म इस साल की पहली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने को तैयार है। बाकी दोस्तों अगर आपने हनुमान, गुंटूर कारम, कैप्टन मिलर, डंकी, सलार ये सभी फिल्में देखी तो इसमें से आपको बेस्ट फिल्म कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।